हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है ऋषभ शर्मा। हमने स्टार्ट की है एक बेहतरीन सीरीज अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस की आपके लिए, जिसमें हम सारे टॉपिक्स कवर करा रहे हैं, सारे चैप्टर कवर करा रहे हैं, फिर चाहे वो क्लास 11th हो चाहे वो क्लास 12th हो। हमने स्टार्ट कर दिया है स्टैटिस्टिक्स और आज हम शुरू करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ डेटा में हमें क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं, फिर से वही तरीका अपना। पढ़ने से पहले वो जो सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं उसको कॉपी कर लो, नोट्स उठाओ और लिखना चालू करो। पहला है सोर्सेज ऑफ डेटा, दूसरा टॉपिक है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, तीसरा टॉपिक है मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। इसमें हम 5 मेथड पढ़ेंगे: डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज, मेल्ड क्वेश्चनेयर, टेलीफोन इंटरव्यूज। उसके बाद क्या है, कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा, जिसमें दो चीजें आएंगी, पब्लिश्ड सोर्सेज की बात करेंगे, अनपब्लिश्ड सोर्सेज कौन कौन सी होती है, और दो इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा जो कि इंडिया में है, वो है सेंसस और सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम NSSO भी कहते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको कॉपी कर लेने हैं। चलिए नोट्स के साथ साथ स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक आता है सोर्सेज ऑफ डेटा। तो सोर्सेज समझने से पहले ये देख लो डेटा क्या होता है। तो डेटा हमने पढ़ रखा है स्टार्टिंग के चैप्टर में कि एनी स्टेटमेंट विच इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स, वो क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स होता है। यानी स्टैटिस्टिक्स में जो डेटा होता है वो न्यूमेरिकल फैक्ट्स के बेसिस पे होता है। डेटा की डेफिनेशन क्या है, डेटा आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, ऐसे फैक्ट जिनको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया गया हो। अब सोर्सेज की अगर बात करी जाए तो वो दो तरीके से कलेक्ट किया जाता है, एक इंटरनल सोर्सेज होती है और एक एक्सटर्नल सोर्सेज होती है। जब मैं एक ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन की बात करूंगा और उसके रिकॉर्ड उठाऊंगा और उसके रिकॉर्ड से कोई डेटा कलेक्ट कर रहा हूं, तो वो है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का डेटा या इंटरनल डेटा। और यही चीज जब मैं बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ एक ऑर्गेनाइजेशन चला जाता हूं, बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इन्वेस्टिगेटर क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेट करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, वो होता है सेकेंडरी सोर्सेज, या फिर हम कह सकते हैं इनको एक्सटर्नल सोर्सेज। ठीक है, एक्सटर्नल को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज मतलब दोनों ही आप क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज का पॉइंट है, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज में फर्क क्या होता है कि प्राइमरी इंफॉर्मेशन या प्राइमरी डेटा जो होता है वो इन्वेस्टिगेटर खुद से कलेक्ट करता है, ओरिजिनल होता है, एक्यूरेट होता है वो डेटा, इसीलिए इसको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कहा जाता है। और सेकेंडरी इंफॉर्मेशन मतलब जब इन्वेस्टिगेटर डेटा कलेक्ट करता है फ्रॉम न्यूज़पेपर, मैगजीन, कोई भी ऐसी सोर्सेज जो कि सेकेंड हैंड हो चुकी है, या फिर हम ये कह सकते हैं जो पब्लिश्ड हो चुकी है। ठीक है, तो ये सारी सोर्सेज किस में आ जाती है, पब्लिश्ड या अनपब्लिश्ड, ये सब सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा। मतलब सपोज करो आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, आपने कोई न्यूज़पेपर पढ़ा उससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, टेक्स्ट बुक देख ली, रिपोर्ट्स देख ली, न्यूज़ सुन ली, रेडियो से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। जब भी आप इन्फॉर्मेशन किसी और के थ्रू कलेक्ट कर रहे हैं तो वो सब किसका पार्ट है, सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा का। ठीक है, फटाफट कवर करेंगे। सबसे पहले प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज की डेफिनेशन देख लो क्या कह रही है। कह रहा है स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन विच आर कलेक्टेड फॉर, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन विच आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय इन्वेस्टिगेटर फॉर द प्रॉब्लम अंडर स्टडी। मतलब कोई इन्वेस्टिगेटर कोई भी इंफॉर्मेशन फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहा है, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन खुद से कलेक्ट कर रहा है, तो वो प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डेटा का पार्ट है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है बेटा, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। क्या बोला जाता है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। ये दो पॉइंट लिख लेंगे, ये दोनों पॉइंट मीनिंग में हो जाएगी। फिर सेकेंडरी सोर्सेज पे आएंगे। सेकेंडरी सोर्सेज क्या हो गया, अगर प्राइमरी सोर्सेज फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है तो सेकेंडरी सोर्सेज क्या होगा, सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन। तो कह रहा है सेकेंडरी डेटा आर दोज विच आर, सेकेंडरी डेटा आर दोज विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस एंड विच हैव बीन कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पसेस। भैया मुझे क्या बोलते हैं, अपने एरिया की पॉलिसी, मुझे अपने एरिया में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम देखना है। ठीक है, अच्छा ये होगा यहां से कट ब्रेक। सेकेंडरी सोर्सेज में देखो क्या होगा, सेकेंडरी सोर्सेज में होगा, सेकेंडरी सोर्सेज आर दोज इंफॉर्मेशन, दोज डेटा विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। इसका मतलब क्या होता है,
वो इन्फॉर्मेशन जो तुमने एक बार कलेक्ट कर ली है किसी और पर्पसेस के लिए। भाई न्यूज़पेपर ने, सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस ने, ये क्या होता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। अब वो इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने रिकॉर्ड करी है, मैंने उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को उठाया और कुछ एनालिसिस करके अपनी इन्फॉर्मेशन, अपना आउटपुट निकाला। तो यहाँ पर मैंने खुद से जाके डेटा नहीं कलेक्ट किया है, यहाँ मैंने उन सोर्सेज का सहारा लिया है। तो ये क्या हो गया, सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन। इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज। अब इसके बाद दूसरा टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डेटा। ठीक है, अब मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा में हमने क्या पढ़ा था, कितने टॉपिक हैं, जल्दी जल्दी देखो फटाफट, है ना। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज, मेल्ड क्वेश्चनेयर, टेलीफोन इंटरव्यूज। तो इसको पढ़ने का क्या तरीका है, ये सिंपल ऐसे आएंगे, आपसे इसका मीनिंग पूछा जाएगा, मेरिट डिमेरिट पूछा जाएगा। तो आप क्या करोगे, एक तरफ मीनिंग, एक तरफ मेरिट, एक तरफ डिमेरिट, मीनिंग मेरिट डिमेरिट, मीनिंग मेरिट डिमेरिट, इस तरीके से क्लासिफाई करके हम पांचों पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, जब इन्वेस्टिगेटर रिस्पॉन्डेंट से डायरेक्टली क्वेश्चन करे, डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। जैसे आप कहीं जाओ, आपका जॉब इंटरव्यू होता है, तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। एक तरफ इन्वेस्टिगेटर होता है, दूसरी तरफ आप होते हैं, यानी जो रिस्पॉन्डेंट जो रिप्लाई करता है। ठीक है, तो मीनिंग क्या होता है, द इन्वेस्टिगेटर पर्सनली स्टडीज द फिनोमिना इन हैंड एंड ऑब्टेन फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। किससे लेता है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, रिस्पॉन्डेंट से। अब जब आप फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन की बात करते हो, है ना, जब आप फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन की बात करते हो, तो इसमें क्या होगा, कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान है। सबसे पहला फायदा क्या है, जब कोई इंफॉर्मेशन आप खुद से कलेक्ट करते हो तो वो जनरली एक्यूरेट होती है। ठीक है, किसी और के थ्रू आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कराई है तो उसकी एक्यूरेसी का कोई मतलब, उसकी एक्यूरेसी को हम चेक नहीं कर सकते। लेकिन जब इंफॉर्मेशन आप खुद से कलेक्ट करते हो तो आप जाहिर सी बात है कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं लेके आओगे, खुद से उसकी रिलायबिलिटी चेक करोगे। तो सबसे पहला मेरिट क्या है, दे आर जनरली एक्यूरेट, यानी जनरल एक्यूरेसी होती है। और दूसरा ये होता है मोर रिस्पॉन्स। वॉट इज मोर रिस्पॉन्स, वेन एन इन्वेस्टिगेटर इज पर्सनली इन्वॉल्व इन एन इंटरव्यू, ठीक है, विद द रिस्पॉन्डेंट्स, की रिस्पॉन्डेंट के साथ इंटरव्यू ले रहा है, वो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है, तो यहां पर वो ये एक्सपेक्ट करता है कि रिस्पॉन्डेंट के ज्यादा रिप्लाई आएंगे एज कंपेयर टू एनी अदर सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक, नेक्स्ट डीमेरिट क्या होता है, डीमेरिट दो है सिंपल सिंपल से, वो क्या है, नॉट सुटेबल फॉर फास्ट एरिया। अगर मैंने कहा आपको एक ज्योग्राफिकल बाउंडेशन है, एक लिमिटेड एरिया की बात है, तब तो क्या बोलते हैं, हमारा ये प्राइमरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू तो आसान हो जाएगा। अब मैंने कहा एक शहर की ही पूरा डेटा तुम्हें कलेक्ट करना है, ठीक, मैंने कहा पूरे देश में तुम्हें डेटा कलेक्ट करना है, पूरे देश का एक एवरेज एक्सपेंडिचर तुम्हें पता करना है, तो यहाँ पर तुम हर एक के घर पे जाके तो नहीं पता करोगे कि प्रोड्यूसर्स का कितना है, कंज्यूमर्स का कितना खर्चा हो रहा है, एक एक आदमी से जाके बात करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जब ज्योग्राफिकल बाउंडेशन बढ़ जाती है तब ये इस डेटा की रिलायबिलिटी खत्म सी हो जाती है कि अब ये यार इतना आसान नहीं रह गया है। ठीक है, तो नॉट सुटेबल फॉर वास्ट एरिया। और दूसरा, इट इज अ कॉस्टली मेथड। क्यों, इट टेक्स टाइम एनर्जी एंड मनी, टाइम एफर्ट्स एज वेल एज मनी। मनी इसलिए क्या है, कॉस्टली। चलो भाई, हमारा आता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या होता है, यहां पर इन्वेस्टिगेटर खुद डायरेक्टली इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्डेंट से कलेक्ट नहीं कर रहा है, वो इनडायरेक्टली कलेक्ट कर रहा है उन लोगों से जो या तो रिस्पॉन्डेंट के टच में रह चुके हैं या फिर उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन उनके पास है। ठीक है, ऐसा कब होता है, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पर एक एरिया में फायर अकर हो जाती है, ठीक है, आग लग जाती है, तो उस टाइम पे फायरमैन जाके जनरली क्या करता है, आजू बाजू के लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है कि बताओ टाइम क्या था, कितने बजे आग लगी थी, कितनी तेजी से लगी थी, और आजू बाजू क्या यहाँ पर कोई फैक्ट्री तो नहीं है ऐसी जहाँ पर केमिकल हैजार्डियस चीज़ें रखी गई हैं जिससे और आग बढ़ सके। तो ये सारी चीज़ें क्या है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर रिस्पॉन्डेंट से नहीं ली जा रही है जो उस टाइम पे जो जिससे हमें कलेक्ट करनी है, रादर देन उसकी इंफॉर्मेशन आजू बाजू के लोगों से कलेक्ट करी जा रही है। तो ये होता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या होता है, अंडर दिस मेथड इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली अप्रोचिंग इन्फॉर्मेंट,
द इन्वेस्टिगेटर इंटरव्यू सेवरल अदर पर्सन हु आर इन डायरेक्टली इन टच विद द इंफॉर्मेशन सॉट, ठीक है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन लोगों के पास होती है, उनसे हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है। नाउ इसके भी दो मेरिट दो डीमेरिट होंगे। पहला क्या है, वाइड कवरेज। भाई जब भी बड़े एरिया की बात करेंगे वहां पर हम डायरेक्टली इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कर सकते, इसलिए वाइड कवरेज के एरियाज में इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन एक सबसे बढ़िया सहारा होता है। दूसरा इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल क्यों, इट सेव्स टाइम एफर्ट्स एंड मनी, सेव्स टाइम मनी एंड एफर्ट्स, ठीक है। डीमेरिट भी साथ साथ आते हैं। सबसे पहला इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन। इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन ये कि अगर आप डायरेक्टली इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो तो वो उसकी एक्यूरेसी देखी जा सकती है। इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, नॉट फुल्ली ट्रू, क्या कह सकते हैं, इट इज नॉट फुल्ली ट्रू, पूरी तरीके से सच नहीं हो सकता है, कभी कभी लोग बना के भी बता सकते हैं। और दूसरा यहां पर बायसनेस होने की भी प्रोबेबिलिटी होती है कि जो इन्फॉर्मेंट है हमारा वो बायस्ड होके इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेगा, क्योंकि रियल इंफॉर्मेशन तो हमें उसी पर्टिकुलर इंटरव्यू इन्वेस्टिगेटर से ही पता चलेगी जहां पर हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ठीक है। तो ये क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ बायसनेस भी होती है, यहां पर इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन हो रही है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा होता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल करेस्पोंडेंट और सोर्सेस, ठीक है। यहां पर इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, एक करेस्पोंडेंट एक एजेंट हायर करता है जो कि इंफॉर्मेशन लाके इन्वेस्टिगेटर को देता है, ठीक है। तो क्या है, लोकल एजेंट पॉपुलरली नोन एज करेस्पोंडेंट्स आर अपॉइंटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एरिया फ्रॉम वेयर इंफॉर्मेशन इज टू बी कलेक्टेड। मतलब ये तरीके की जो सोर्स है, इस तरीके की जो इंफॉर्मेशन होती है ये किसके काम की होती है, ये जो लोग होते हैं ये मेजॉरिटी ये सोर्सेज अपनाते हैं जिनमें आते हैं रेडियो वाले, टीवी वाले, न्यूज़पेपर वाले, है ना, न्यूज़ वाले, ये लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैं संवाददाता है यहाँ से आज तक, तो वो क्या कहें, किसी करेस्पॉन्डेंट या किसी एजेंट के थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इसके भी कुछ मेरिट और डीमेरिट होते हैं। मेरिट क्या होता है, यूजफुल फॉर वास्ट एरिया। अब जहां आप जाके खुद सारी इंफॉर्मेशन खुद से कलेक्ट नहीं कर सकते, आपने करेस्पॉन्डेंट रखे हैं, मतलब बड़े ज्योग्राफिकल एरिया के लिए भी ये काम की चीज है। दूसरा इकोनॉमिकल है, रादर देन खुद से जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना हमने इंफॉर्मेशन के लिए एजेंट को भेज दिया, इकोनॉमिकल। जहां भी ये टर्म सुनाई दे जाए इकोनॉमिकल, मतलब सेव्स मनी टाइम, दो चीजें, ठीक। आगे बढ़ते हैं, डीमेरिट भी है। पहला डीमेरिट क्या है, रिलायबिलिटी, इस पे रिलाय करके रखना ये ठीक नहीं है, क्योंकि आप यहां पर इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं डायरेक्टली नहीं ले रहे हो, ठीक है। दूसरा लैक ऑफ प्रिसीजन, मतलब इट इज नॉट अ प्रेफरेबल फॉर दोज एरियाज वेयर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। मतलब नॉट प्रेफर्ड लिख लीजिएगा इसी के आगे, नॉट प्रेफर्ड इन द एरिया वेयर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड, ठीक। ये हो गया हमारा क्या, लैक ऑफ प्रिसीजन, ये सारी चीजें हो गई इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चनेयर मेथड आता है। क्वेश्चनेयर मेथड में हमें क्या करना होता है, देखिए नमन जी, क्वेश्चनेयर मेथड मतलब एक क्वेश्चनेयर प्रिपेयर किया जाता है, सेट ऑफ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं रिलेटेड टू द डिफरेंट इंक्वायरी, ठीक है। नाउ ये दो तरीके से किया जाता है, एक मेलिंग मेथड या मेल्ड क्वेश्चनेयर, एक क्वेश्चनेयर फिल्ड बाय इन्यूमरेटर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इन्यूमरेटर। दोनों के बीच का फर्क समझिए। मेल्ड क्वेश्चनेयर में क्या होता है कि एक सेट ऑफ क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं, बनाए जाते हैं और उसको मेल करके रिस्पोंडेंट्स के पास भेजे जाते हैं जिनसे उनसे रिप्लाई एक्सपेक्ट किया जाता है। और यही चीज जब डोर टू डोर सर्विसेज के थ्रू किसी इन्यूमरेटर की हेल्प से की जाती है तो वो इन्यूमरेटर मेथड हो जाता है। तो डेफिनेशन देखो क्या कह रही है, अ क्वेश्चनेयर कंटेनिंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू द इंक्वायरी इन द हैंड्स इज प्रिपेयर्ड, क्वेश्चनेयर प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद कह रहा है, द क्वेश्चनेयर इज देन सेंट टू द इंफॉर्मेंट बाय पोस्ट और ईमेल। यहां पर इंफॉर्मेशन लिख दें, यहां पर होगा इंफॉर्मेंट, ठीक है। द क्वेश्चनेयर इज देन सेंट टू द इंफॉर्मेंट बाय पोस्ट और ईमेल। अब पोस्ट के थ्रू करते हैं या ईमेल के थ्रू, ठीक। अब यही सेम चीज मैंने कहा, ईमेल ना करते हुए किसी इंफॉर्मेशन इन्यूमरेटर के थ्रू करी जाए तो क्या होगा, इन्यूमरेटर मेथड। इंस्टेड ऑफ मेलिंग क्वेश्चनेयर
इट इज सेंट टू द इन्फॉर्मेंट थ्रू ट्रेन्ड इन्यूमरेटर्स, ठीक है, रिक्वायर्ड इन गवर्नमेंट इंक्वायरीज। जब घर में सेंसस होता है, जनगणना होती है, तो गवर्नमेंट इंप्लॉयज ही आते हैं, लोकल गवर्नमेंट एजेंट्स आते हैं, जो घर जनगणना में पूछते हैं कि आपके यहाँ कितने लोग हैं, कितने महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं, कितने जेंट्स हैं, ठीक है, पुरुष हैं, ये सारी चीजें इन्यूमरेटर के थ्रू की जा रही है। तो जब एक क्वेश्चन एयर इन्यूमरेटर के थ्रू कराया जाता है तो वो इन्यूमरेटर मेथड होता है, और यही जब मेल कर दिया जाता है या पोस्ट के थ्रू भेज दिया जाता है, जो रिप्लाई एक्सपेक्ट किया जाता है, तो वो होता है मेलिंग मेथड। अब दोनों के मेरिट डीमेरिट होते हैं, फटाफट देखो इसका मेरिट क्या होगा। सबसे पहले मेलिंग में क्या है, सबसे अच्छी चीज सिंपल है, चीप है, इसमें आपको कोई एजेंट नहीं, इन्यूमरेटर नहीं हायर करना है, कलेक्शन ऑफ ओरिजिनल डेटा, जो भी डेटा है वो ओरिजिनल ही कलेक्ट होगा, क्योंकि जब जिसको मेल कर रहे हैं रिप्लाई उसी से एक्सपेक्ट किया जाएगा। डीमेरिट क्या है, लिमिटेड रिस्पॉन्स, जरूरी नहीं है कि हमारे मेल का रिप्लाई आए। दूसरी चीज क्या है, लिमिटेड स्कोप, वास्ट स्टडी में इसको हम नहीं देख सकते, ठीक है, लिमिटेड स्कोप। आगे बढ़ते हैं, मेरिट देखते हैं किसके, इन्यूमरेटर मेथड में। इन्यूमरेटर मेथड में क्या है, ग्रेटर एक्यूरेसी, क्योंकि जब जब आप इन्यूमरेटर हायर करते हो तो चांसेस गलत होने के कम हो जाते हैं, क्योंकि सामने एक पर्टिकुलर पर्सन है जो एक्सप्लेन कर रहा होता है क्वेश्चंस, ठीक है, रिस्पोंडेंट को। मोर यूजफुल और इलिटरेट इन्फॉर्मेंट, ठीक है, जो वो इन्फॉर्मेंट जो पढ़े लिखे नहीं है, अब जिनको कंप्यूटर नहीं चलाना आता है, उन वो क्या करते हैं, वो सिर्फ जवाब दे सकते हैं, ठीक है, उनको क्लिक करना, इन्फॉर्मेशन देना, मेल प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें नहीं आती है। तो ये जो इन्यूमरेटर मेथड है ये वहाँ के लोगों के लिए सही है जहाँ पर इन्फॉर्मेंट जो है वो पढ़े लिखे नहीं है। डीमेरिट क्या होता है, इट इज कॉस्टली मेथड, क्योंकि तुम्हें एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को हायर करना है। दूसरा डीमेरिट क्या होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द स्किलफुल ऑफ इन्यूमरेटर, कितना अच्छा तुम्हारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुआ है, ये डिपेंड किस पे करता है कि तुम्हारा इन्यूमरेटर ट्रेंड है कि नहीं। तो ट्रेंड इन्यूमरेटर मिलना जरूरी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला टॉपिक हमारा होता है टेलीफोन इंटरव्यूज, ठीक है। टेलीफोन इंटरव्यूज में क्या है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है इन्फॉर्मेंट के थ्रू ओवर टेलीफोन, बहुत सिंपल सा है, ठीक है, ये आज की डेट में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्विक इंटरव्यूज के लिए। कॉलेज में एडमिशन लेने होते हैं, आप देखिएगा तो टेलीफोनिक इंटरव्यूज ही होते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेटर कैन कलेक्ट स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ओवर टेलीफोन फ्रॉम अ इन्फॉर्मेंट। अब इसके भी कुछ मेरिट डीमेरिट, सबसे पहला मेरिट क्या है भाई, बड़ा इकोनॉमिकल है। दूसरा मेरिट क्या है कि हमें तुरंत रिजल्ट पता चलते हैं ओवर फोन, ठीक है। डीमेरिट क्या है, अवॉइडेंस ऑफ इन्फॉर्मेंट। अब देखो बाय चांस ये जरूरी नहीं कि तुम्हारा कॉल पिकअप हो जाए, कभी कभी नहीं होगा, तो अवॉइड भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, कैन नॉट रिकॉर्ड विजुअल रिएक्शन। विजुअल रिएक्शन तो बेटा डायरेक्ट पर्सनल के टाइम ही पता चलेंगे ना, वो टेलीफोन पे कैसे पता चलेंगे। तो यहां तक हमारा हो जाता है क्या, कलेक्शन ऑफ डेटा का पार्ट ए। अभी मैं इसका कराऊंगा पार्ट बी, जिसमें हम सेकेंडरी सोर्सेस और सम इंपॉर्टेंट सोर्सेस जैसे कि सेंसर्स और सैंपल वो कलेक्ट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू क्लास।